नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु गुलेरिया और इस वीडियो में हम एचपी पटवारी जो 17 नवंबर 2019 को टेस्ट हुआ उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा से तात्पर्य है, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धन्यवादक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है आपका, कलानिधि का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है, ऑप्शन ए दीर्घ संधि इज द राइट आंसर। अपनाना क्रिया किससे बनी है, ऑप्शन सी सर्वनाम से बनी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी में किस परिवर्तन का उल्लेख है, तो इसमें ऑप्शन डी पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। अगला क्वेश्चन है, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है, तो क्या है प्र विशेषण। जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का विलोम शब्द है आपका स्थावर। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है, तो मंद मंद है आपके पास क्रिया विशेषण। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है भरपेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है आपका उज्ज्वल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूचक का समानार्थक शब्द है क्या है ज्ञापन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेड़ से आम गिर रहे हैं में कौन से कारक हैं, तो से है तो आपका करण कारक। आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ज्ञ में मिलन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आधा तितर आधा होना का अर्थ है आपका बेमेल और बेढंग होना। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई, तो वैदिक संस्कृत भाषा में हुई। मंगल भवन अमंगल हारी हरौनाथ मन संकट भारी में छंद क्या है, यह आपका चुपाई छंद है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शुद्ध वाक्य क्या है, यह गाय का असली दूध है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 18 का ऑप्शन सी। धर्माधर्म समास क्या है, तो यह तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, बड़ वानल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महर्षि का संधि विच्छेद करिए, ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पन का प्रत्यय है सत्या मन। कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है आपका पौरुष। रिक्यावलोम विलोमार्थी शब्द क्या है, तो ये आपका पूर्ण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रवीण बड़ी चतुर है मैं बड़ी क्या है, बड़ी है आपका र विशेषण। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का है आपका प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का सेम शब्द है आपका बैन। रिग्रेट, रिग्रेट का है आपका रिपेंट। विम्सिकल, विम्सिकल का है आपका डी। और इंटरमिटेंट का है आपका पीरियडिक। ऑब्स्टिनेट का है आपका स्टबर्न। और कार्डिनल का है आपका चीफ। ही डील्स, अगर ही डील्स की बात करें स्टेशनरी, तो इसका होगा आपका इन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। ही वीक्स केमिस्ट्री, यह एड केमिस्ट्री। चूज द राइट सेंटेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वी रिच्ड सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज, ये है आपका एडवर्ब। चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ द फॉक्स, ये है ऑप्शन बी। यंग वन ऑफ शिप, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, लैम्ब। आगे बढ़ते हैं, वोकेशन, वोकेशन का है आपका ऑक्यूपेशन। इंपेरियस, इंपेरियस का आपका ऑप्शन ए प्राउड। शी विल हैव सर्व्ड फूड इज इन, ऑप्शन डी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलेट, ऑप्शन डी। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कांट पार्ट विद दैम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44, 45 का आपका ऑप्शन ए, 45 का ऑप्शन ए डिसीव, डी ई सी आई ई वी ई। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट
आपका सिमिलर वर्ड देखना है आपको ऑडेसिटी का, ऑडेसिटी का सिंबल वर्ड सिमिलर वर्ड है आपका बोल्डनेस, और आपका मैलिस का है आपका सिमिलर वर्ड नहीं अपोजिट वर्ड गुड गुडविल। अब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करना है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट ए न्यू लेसन, तो इसका है इनडायरेक्ट फॉर्म द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, इनडायरेक्ट फॉर्म होगी आपकी ऑप्शन डी, 50 का है आपका ऑप्शन डी, ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51 क्वेश्चन की तरफ, मैथ है आपका 51 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 567 देन द क्वेश्चन रीड, क्या क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 and 10, कौन सा है, ऑप्शन ए 900 -7 डिवाइडेड बाय 21 upon 13, इसका आएगा आपका सॉल्व करके ऑप्शन बी -13 upon 3, और इस नंबर का आपको जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 54 के वो गलत दिए हुए हैं, इसलिए जो एग्जामिनर है वो ये क्वेश्चन शायद कट कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/11, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर इज 44 cm एंड इट्स हाइट इज 15 cm, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, आपका वॉल्यूम आएगा ऑप्शन डी माइनस ऑप्शन डी 2310। आगे बढ़ते हैं, इफ ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस ए पोल इन 16 seconds देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, आपकी आ गई 54 km/h। अगला है टर्म दी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर होगा 36। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 24 आवर, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर, कितना होगा 150। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000, इंक्रीज एट ए 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी, कितनी होगी 5202। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द क्यूब ऑफ डैश इज, कितना क्यूब होगा 1:1/6। The sum of this number, sum दिया है कितना, यह आएगा आपका ऑप्शन बी 0.46578, 62 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, परसेंट पूछा है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टर्म दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, इसका आएगा आपको ऑप्शन ए 65 का दिया है आपको। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया 5 years ago, his age was 3 times Shreya is, find the present age। ऑप्शन आपको गलत दिए हैं 65 क्वेश्चन में, इसका सॉल्व करके 10 और 20 आएगा, तो ये क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा एग्जाम में से, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 66 क्वेश्चन की, 66 क्वेश्चन की वैल्यू आएगी आपकी सी, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस एंड वॉल्यूम इज 67 क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहन परचेस्ड ए कार 8000, सोल्ड इट आफ्टर 1 year एट ए लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आएगा आपका 6000। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर निकालना है इसमें आपका 65। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज 5,44,000 एंड द ओरिजिनल सैलरी, और न्यू सैलरी से 90% निकालना है आपको इसका 140। एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज, एलसीएम आएगा आपका 60, और आपको बताए किसी भी टर्म की रेस्ट पावर 0 हो तो 1 आता है, 72 का ए ऑप्शन। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिस एरिया, एरिया है तो आपका ऑप्शन ए 1386 cm सिक्योर। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम 2 साल के लिए, तो इसका अलग कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी 210। इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 66 देन द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर आएगा आपका 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
स्ट्रॉन्ग टोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन रिवर सतलुज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर. लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया इज चेनानी नशीरी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू किसके कारण? क्लोरोफिल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? व्हेन वाज? 16 अप्रैल 1853. वेयर इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सिचुएटेड? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू. विच प्लेस इज नोन हैज लिटिल हासा? धर्मशाला. ऑप्शन सी. हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? हु कंपोज? पाणिनी. ऑप्शन सी. व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेम द क्रिएचर विच इज नॉट ए बर्ड बट कैन फ्लाई? ऑप्शन डी बैट. विच प्लैनेट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? विच इज वीनस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट वॉज द शिवालिक माउंटेन नोन हैज इन एंशियंट टाइम? मैनक पर्वत. व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज लार्जेस्ट नेचुरल लेक? सिरमौर, रेणुका लेक. व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? न्यूक्लियर फ्यूजन. और नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन हैदराबाद. हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1969? हु वॉज? भागमल सोठा. व्हेन वॉज हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश? 26 जनवरी 1971. वेयर इज भूतनाथ टेम्पल? भूतनाथ टेम्पल इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन सी इज द मंडी डिस्ट्रिक्ट. भूतनाथ टेम्पल है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? स्मॉल एंटेस्टाइन. कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वैरायटी ऑफ पोटैटोस. वेयर इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड? एनिमल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन की बात करें तो ग्रीन, और नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो रेड. ब्राउन की बात करें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लाइक एग. मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज? ऑप्शन सी टेक्टोनिक फोर्सेज. कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना? क्यों? कालिंद पर्वत के निकलने के लिए. ये थी हमारी आंसर की दोस्तों.